नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज है आपका 23rd of November। सो बहुत सारे शादी का भी सीजन शुरू हो गया है। आप भी शादी वादी में जा रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, थोड़ा सा संभल के खाना वाना खाइएगा। और कैसे हैं आप? सब सही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आप कैसे हैं, आपके वहाँ पर ठंडा कैसा हो रहा है। और बहुत ही बड़ा एक चीज़ देखने को मिला, दैट सऊदी अरेबिया ने अर्जेंटीना को हरा दिया। तो इट वॉज काइंड, मैंने सुनकर तो मेरे को बहुत अजीब लगा, बट दैट्स वाई। आप क्या फीफा देख रहे हैं? मैं तो नहीं देख रहा हूँ, बिकॉज इट सीम्स लाइक इट्स ऑल रिग्ड, तो इसलिए मैं नहीं देख रहा हूँ। बट अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स सी क्वार्टर टू जीडीपी ग्रोथ एट मीडियन 6.45%। सो मीडियन का मतलब होता है कि एवरेज, सिंपल भाषा में एवरेज ऑफ 6.45%। सो क्वार्टर टू यानी क्वार्टर टू जीडीपी ग्रोथ आपको देखने को मिला 6.45, विच इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड कम्पेयर टू दी अदर नेशंस। इमर्जिंग मार्केट्स को भी अगर हम देखते हैं कम्पेयर टू, मतलब सऊदी अरेबिया के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते, पर आपको समझना पड़ेगा जीडीपी इज जस्ट दी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट सिग्निफाइज दी कंजम्पशन ऑफ दी पॉपुलेशन। तो यहाँ पे अगर कोई 10 किलो आटा खा रहा है, ठीक है, और कोई मतलब अमीर आदमी जो है, जो पहले 5 किलो खाता था अभी वो 50 किलो खा रहा है, और कोई गरीब आदमी जो पहले 3 किलो खाता था अभी उसको 1 किलो मिल रहा है। सो वहाँ पे डिस्पैरिटी आपको समझना पड़ेगा। जीडीपी डज नॉट, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि इज जीडीपी द ग्रेटेस्ट मेट्रिक और द बेस्ट मेट्रिक टू अंडरस्टैंड द ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, सो योर आंसर शुड बी येस और नो। अगर बोलते हैं कि येस, क्यों है येस, इज येस इन अ वेरी एब्सोल्यूट टर्म। एब्सोल्यूट टर्म का मतलब होता है कि ब्लैक एंड व्हाइट, कि हाँ जीडीपी बहुत बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हम जो कंट्री है वो ग्रोथ कर रहे हैं। बट अगर हम इंट्रेंसिक उसके सोशियो इकोनॉमिक चीज़ों को अगर हम देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, सो जीडीपी इज वन ऑफ द फैक्टर। जीडीपी कैन बी वन ऑफ द फैक्टर, दैट्स वाई इफ समवन आस्क यू कि भाई ऐसे कुछ एग्जांपल दो जहाँ पे जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है, बट वहाँ पे जो फाइनेंशियल यानी जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन है या फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है वो बहुत कम है, यानी गरीब और गरीब नहीं हो रहा है, अमीर और ज़्यादा गरीब, मतलब जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ यूनिफॉर्म। ये अगर आपको पूछना है तो फिर अगेन एग्जांपल आपको देना पड़ेगा सऊदी अरेबिया। आई एम नॉट सेइंग बैड और एनीथिंग, प्लीज डू अंडरस्टैंड, बट सऊदी अरेबिया का जो है उसका इकोनॉमी ग्रो कर रहा है 8.5%। आपको समझना पड़ेगा सऊदी अरेबिया उसका जो मेन एक्सपोर्ट है दैट इज़ ऑयल, ऑयल वो डॉलर में सेल करता है। सो अभी आपका डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है, सो व्हाटएवर दे आर अर्निंग उनका इनकम भी बढ़ रहा है। इनकम जब बढ़ेगा तो फिर उनका जीडीपी तो डेफिनेटली बढ़ेगा ना। तो इसीलिए सऊदी अरेबिया का जीडीपी अगर हम देखें तो उसका कॉन्स्टेंटली 8.5% 9% में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। वेयर एज इन इंडिया जहाँ पे एज सच हम ऐसा कुछ एक्सपोर्ट नहीं करते हैं आईटी सर्विसेज के अलावा, फार्मा सर्विसेज के अलावा या फार्मा प्रोडक्ट्स के अलावा, हम जो है ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो आपका जीडीपी एज सच आपको उतना ही देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाई यू विल सी दैट एवरीथिंग इज बिकमिंग मोर एंड मोर एक्सपेंसिव, ऑल्दो क्योंकि डेट के माध्यम से लोग पुश किया जा रहा है कि आप गाड़ी खरीदो, आप मोबाइल खरीदो, आप स्कूटी खरीदो, आप इंटरनेट खरीदो, आप मोबाइल खरीदो, फलाना ढिन करना जो भी है, कंजम्पशन को बढ़ाया जा रहा है, तो उसके वजह से आपको एक इंटरमीडिएट आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा दैट हाँ जीडीपी जो है इट इज़ गोइंग नियर अबाउट 7% 8%। बट एक्चुअली में अगर हम सब कुछ ये डेट को अगर हम हटा देते हैं द जीडीपी विल ग्रोथ विल बी वेरी वेरी मिनिमल, इवन 3% इवन 2%। जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे उतना ज़्यादा कंजम्पशन नहीं होता है, सॉरी जहाँ पे डेवलप कंट्री है उधर मतलब कंजम्पशन तो होता ही है, पर वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है वही कंजम्पशन चलता रहता है। पहले जो आदमी 1.5 किलो चावल खा रहा था वो अभी शायद से 1.80 किलो खा रहा है, 1 किलो 800 ग्राम चावल खा रहा है या आटा खा रहा है, तो वहाँ पे आपका बहुत ही नेग्लिजिबल जो है आपका कंजम्पशन ग्रोथ होता है। इसलिए आप देखोगे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जीडीपी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, पुअर कंट्रीज़ में और भी ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ होता है, और रिच कंट्रीज़ में जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जीडीपी 1% 1.5% इवन नेगेटिव भी हो जाता है। सो ये एक रीज़न होता है अगर आपको कोई पूछता है। आई होप ये चीज़ आपको अभी क्लियरली समझ में आ गया होगा कि वाई एंड व्हाट ऑन व्हाट जीडीपी फोकसेस ऑन। मैंने उसको थोड़ा सा डिटेल्स में इसलिए समझाया ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बहुत लोगों ने पूछा है कि भाई आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, सो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ ईदर बिकम अ मेंबर ऑफ आर कम्युनिटी विच इज़ वेरी नेग्लिजिबल, और अगर जुड़ना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि कौन सा न्यूज़ जो है या कौन सा टॉपिक आप उसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं, सो वी कैन मोर मेक मोर वीडियोज़ ऑन दैट एक्सक्लूसिव। कोई वीडियोज़ अगर उसके लिए हम बना सकते हैं तो आपके लिए और बेटर हो जाएगा, सो समथिंग लाइक दैट। तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला रहता है, थम्सअप तो दे ही दीजिए, लाइक तो कर ही दीजिए, शेयर तो कर ही दीजिए, और आपका जो कमेंट है वो भी आप वहाँ पे दे सकते हैं। वर्ल्ड वाइड टेक स्लम्प में ड्रैग आईआईटी प्लेसमेंट्स, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। दिस शोज दैट हमारे जो आई टी में प्लेसमेंट होते हैं, जैसे इवन मेरे एक बैचमेट का जब मैं पास आउट में हुआ था, मैं ग्रेजुएट मतलब पास आउट एज इन मैंने क्लास 12 जब क्लियर किया था, आप सर्च कर सकते हैं शालिनी शाह, ठीक है, शालिनी शाह शो एनआईटी दुर्गापुर में थी।
अगर आपको पता नहीं है, मुझे पता नहीं था, तो समवन टोल्ड मी दैट शी वाज स्टूडेंट ऑफ एनआईटी दुर्गापुर में थी, सो शी वाज वेरी फेमस इन 2015. शी गॉट आई थिंक 93 लाख का जो है उनको वो मिला है, क्या बोलते हैं, पैकेज मिला था, जो इंडियन रुपी में नहीं है, डॉलर में है, सो विच इज नॉट, यू नो, इट्स गुड. सो यही चीज़ है. सो शी वॉज माई स्कूल मेट, वी स्टडी इन द सेम क्लास. ओके, कुछ है मुझे पता नहीं, आप लोग चेक कर सकते हैं. सो इट्स, यू नो, शी इज राइट नाउ लिविंग इन USA, आई थिंक, टॉप कोडर वेरीफाइड या जो भी है. सो दैट्स दी बॉटम लाइन. तो यहाँ पे वही होता है कि आपको हमेशा कोशिश करते रहना पड़ेगा, दैट यू हैव टू बी एक्सट्रीमली गुड एट वॉट यू डू, इट कैन बी एनीथिंग, राइट. सो यहाँ पे मैं जो इकोनॉमिक टाइम्स का एनालिसिस करता हूँ, द रीज़न आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम एक्सट्रीमली गुड एट इट. ऑल्दो मुझे नॉलेज है, मुझे पता है कि कहाँ पे क्या मूवमेंट हो रहा है, कौन सी चीज़ें कहाँ पे क्या रिपल इफेक्ट होता है, बट जैसे जैसे डेली मैं इसको अपडेट करता हूँ, डेली मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ टू अपडेट माई सेल्फ, दैट्स वाई आई कीप इट वेरी शॉर्ट एंड सिंपल एंड जल्दी जल्दी भागता हूँ. बट अगर आप चाहते हैं इसको मैं और डिटेल्स में कवर करूँ, प्लीज डू लेट मी नो. सो आई बी आई ट्राई टू, यू नो, पुट माई टाइम इन टू इट, बिकॉज टाइम इज मनी, टाइम इज वर्थ. एनी वे, बॉटम लाइन हियर इज वर्ल्ड वाइड टेक्स लंप मे ड्रैग ऑन IIT प्लेसमेंट्स. इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि IIT में जो मैक्सिमम प्लेसमेंट होते हैं या मैक्सिमम जो पैसा आता है वो बाहर से आता है, प्लस वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से आता है. दैट शोज दैट हमारा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, यानी प्रोडक्शन के जो स्टूडेंट्स होते हैं, मैनुफैक्चरिंग या रिसर्च के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो उतना उनको अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिलता है, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी सैड. सो वी नीड टू फोकस ऑन इट बिकॉज 2008 जैसा अगर स्लम्प हमें देखने को मिलेगा, अ लॉट ऑफ पीपल ऑलरेडी 100,000 लोगों ने अपना जॉब लूज कर दिया है, तो वहाँ पे आपका प्लेसमेंट भी नहीं आएगा, मनी जो है वो निकल जाएगा, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इट माइट रिकवर. बट मैनुफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उतना रेडिकल चेंजेस नहीं होता, उतना रेडिकल फायरिंग नहीं होता है. सो आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड हु इज़ अ PhD इन 3D प्रिंटिंग, मेटल 3D प्रिंटिंग, हिज नॉलेज इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वैल्यूएबल. तो अभी वहाँ पे जितना भी कुछ भी हो जाए, हिज कंपनी इज नेवर गोइंग टू फायर हिम, ठीक है. सो दैट इज़ वाई यू हैव टू बिकम मोर एंड मोर वैल्यूएबल. सो प्लीज़ इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए. पे हाइक सेटबैक फॉर टेकीज, पहले 100% आपका इंक्रीमेंट मिलता था, अभी जो है 30-35% मिल रहा है, फिर भी तो मिल रहा है ना, बाकी जगह पे तो लोगों का जॉब चला जा रहा है. सो आई थिंक दे शुड बी, यू नो, फॉर्चुनेट एंड दे शुड बी ग्रेटफुल. लैंको जो है, रिलायंस एंड अडानी आर क्लैशिंग विद ईच अदर, सो वहाँ पे उसको परचेज करना चाहते हैं, जिसका बैंकरप्ट हो चुका है, पर वहाँ पे एक दूसरे के साथ क्लैश कर रहे हैं. बट आई थिंक अडानी विल विन बिकॉज अडानी वही करेगा, इसको खरीद के फिर इसी के स्टेक को बेच के प्लेच करके पैसा उठा लेगा मार्केट से. CV आनंदा बोस इज द न्यू गवर्नर ऑफ बंगाल. पहले कौन थे, जगदीप धनखड़ थे, जो भी वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं. सो ही इज रिटायर्ड IAS ऑफिसर ऑफ केरला काडर, तो केरला में थे, ही इज केरेलियन. फिर ला गनीसन, ओके, ये आप थोड़ा सा, ये करंट अफेयर्स का चीज़ है, एंड बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम बंगाल, सो इट्स एन इंटरेस्टिंग न्यूज़ फॉर मी. अगेन, दिस इज हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स. रोजगार मेला एडवांटेज ऑफ डबल इंजन वाली सरकार, क्या होता है आपको पता ही है. पहले प्रोडक्ट्स टॉप्स $2 बिलियन सेल इन फिस्कल ईयर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है. $2 बिलियन का मतलब होता है 16,000 करोड़ का जो सेल है. मेरे को सेल से मतलब नहीं है, मेरे को देखना पड़ेगा कि कितना मार्जिन है और कितना ऑब्वियसली वॉल्यूम मूव कर रहा है, विच इज़ वेरी वेरी गुड. डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडेड 12% एंड रूरल ग्रोथ. अगेन, जो ये है कि अगर आपको FMCG में जिंदा रहना है, आपको प्रॉस्पर करना है इलेक्ट्रिक मार्केट में या इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री में, तो आपको रूरल मार्केट पेनिट्रेट करना ही पड़ेगा. रूरल मार्केट अगर आप पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, सो यू विल नेवर बी एबल टू, यू नो, क्रिएट दैट जंप. उतना अगर ग्रोथ आप करना चाहते हैं, वो कभी भी नहीं कर पाएंगे जब तक आप रूरल मार्केट को पेनिट्रेट नहीं करेंगे. सबसे बड़ा और सबसे सिंपल एग्जाम्पल कोई अगर आपको पूछता है, वो है जियो. लक्ष्मीपत सिंगानिया जो है, उनका एक स्कूल है उनके नाम से कोलकाता में. सो दिस इज लक्ष्मीपत सिंगानिया. अगेन, स्टिकी ओवरसीज फंड रेज एक्सपोजर टू इंडियन इक्विटीज. इसका मतलब अगर आपको समझ नहीं आता, बहुत सिंपल चीज़ है. स्टिकी ओवरसीज फंड मतलब जो बाहर के जो फंड होते हैं, इट कैन बी बी फंड, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ फंड, म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं, पेंशन फंड हो सकते हैं. दे आर स्टिकी ओवरसीज फंड रेज एक्सपोजर टू इंडियन इक्विटीज. एक्सपोजर का मतलब होता है कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना आपने पैसा डाला हुआ है मार्केट में, वही आपको देखने को मिलेगा. बुलिश ऑन इंडिया. AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ फंड ओन्ड बाई फॉरेन गवर्नमेंट. AUM मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर फिरंगी इन्वेस्टर फॉरेन गवर्नमेंट, यानी जैसे अबू धाबी वाला जो बॉन्ड है या सऊदी अरब वाला बॉन्ड है, वो भी जो है सिंगापुर सोवरेन बॉन्ड ऐसा कुछ होता है, कनाडा का है, नॉर्वे का है, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं इंडियन मार्केट में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके. इंडियन स्टॉक्स आर टर्निंग आउट टू बी सेफ हेवन फॉर फंड्स ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट्स. शेयर ऑफ दिस फंड्स, ये चीज़ जो आपको देखना पड़ेगा, अगर गवर्नमेंट फंड्स इन्वेस्ट करें तो वो उतना रिस्की नहीं होते, मतलब दे आर नॉट गोइंग टू पंप एंड डंप.
बट फिरंगी इन्वेस्टर देयर ऑब्जेक्टिव इज टू यू नो डू पंप एंड डंप. सो मार्केट अभी ऑल टाइम हाई में है, सो वी कैन एक्सपेक्ट लिटिल बिट ऑफ पंप एंड डंप, थोड़ा सा मार्केट मैनिपुलेशन होने को देखने को मिल सकता है, बट उतना ज्यादा नहीं होगा बिकॉज द दूसरे जो ग्लोबल मार्केट्स है दे आर नॉट दैट रोबस्ट एंड दे आर नॉट दैट यू नो वेल परफॉर्मिंग. सो एवरीवन इज कमिंग टू इंडिया again and again. I will say it again and again and again, people are investing in India not because India is growing but because there is no other good market in the situation right now. Global market mein utna stable ya utna matlab stable ya utna secure utna conservative, main bolunga ki conservative, utna conservative market aapko dekhne ko nahi mil raha. That's why everyone is coming and investing in India, aur koi reason nahi hai. Jis din unko opportunity milega ki theek hai China ka market acha ho raha hai, Saudi ka market acha ho raha hai ya mera Vietnam ka market acha ho raha hai, they will take out the money and run. So ye cheez aapko dhyan mein rakhna hai. So whenever you investing for long term and short term, please be very aware. Abhi long term position main nahi kholunga, short term position main nahi kholunga. I will wait, do some analysis, and main analysis karta rehta hu. Agar aapko I was doing it and because of certain reason I'm not able to make videos on that. स्टॉक वीडियो, स्टॉक के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ऐसा अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा स्टॉक क्या है. सो आई डू इंडस्ट्री एनालिसिस, ट्राई टू फिगर आउट कौन सा कंपनी है, कौन सा इंडस्ट्री है अच्छा मूव करने वाला है. सीमेंट इंडस्ट्री इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडस्ट्री, नेक्स्ट दो तीन साल में वर्स्ट परफॉर्मिंग होने वाला है. सो थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है, वहाँ पे आप कैपिटल लूज करोगे. ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज है, आईटी अभी बहुत अच्छा बूम करेगा, 6-7 महीने में इंश्योरेंस बूम करेगा, फाइनेंशियल सर्विसेज बूम करेगा, बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा मतलब वेवी है कि कुछ हो भी सकता है, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है. सो थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर चलना पड़ेगा. रुपी अगेंस्ट 12 पैसा एंड NZ 8167, सो ऊपर नीचे ये मूव करता रहेगा. स्पॉट मतलब राइज, आई टी कंपनीज एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज में हेल्प सेंसेक्स राइज 274 points. यू ये न्यूज आप देख सकते हैं, ऑयल फ्रेट एट $1,00,000 और $100,000 पाइल्स प्रेशर ऑन क्रूड मार्केट्स. Shoring shipping costs are piling pressure onto physical oil markets. So yeah, because Chinese market, उसके ऊपर cap लगाओगे तो कुछ होने वाला है नहीं. Heady hikes on tech jobs switchers seem to be over. तो अभी जो switch करेंगे उनको ज़्यादा job मतलब ज़्यादा जो है hike देखने को नहीं भी मिल सकता है. इंडिया मोबाइल यूजर बेस डाउन बाई 3.7%. इंडियन इकोनॉमी टू ग्रोथ 30 fold. अंबानी बाबू ने बोल दिया कि $40 trillion होगा. सो आपके मुंह में दही शक्कर सर, धन्यवाद. ऑफिस रेंटल्स इन बेंगलुरु राइज हाईएस्ट. सो आप सोच रहे हो कि भाई इतना जो है मतलब स्टार्टअप के पास पैसा नहीं है, बस्ट हो रहे हैं, मतलब डिलीवरी जो है उसको भी जो है कार्लाइल ग्रुप जो अपना जो शेयर है वो एग्जिट कर लिया, डिवीको को परचेज कर लिया. स्टार्टअप का तो हालत बहुत खस्ता है, पर इतना क्यों मूवमेंट है आपको समझना पड़ेगा. दैट यू नो मोस्ट ऑफ द पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम यू नो दिल्ली मार्केट या ये सारे मार्केट से मूव कर रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू ओपन अप ऑफिसेस, स्मॉल स्मॉल ऑफिसेस, या 1,000 square foot का ऑफिस, फाइनेंशियल ऑफिस, ये सब कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स बैंगलोर. ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट गिव्स अप्रूवल टू इंडिया ट्रेड पैक्ट. आप देख लीजिएगा, अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है प्लीज लेट मी नो. प्रिपेयर रोड मैप फॉर स्मॉल मर्चेंट्स एंट्री इनटू डिजिटल फोल्ड, फाइनेंस मिनिस्टर टू बैंक्स. ठीक है, ऑलरेडी फोन पे ये कर रहे हैं, फोन पे और पेटीएम ऑलरेडी इसको कर रहे हैं, सो वी शुड बी ग्रेटफुल टू फोन पे एंड पेटीएम. विंडमिल लैंड एंड प्राइम प्रॉपर्टी फॉर सेल. अगर आपको परचेज करना है आप परचेज कर सकते हैं कोयम्बटूर में. कोयम्बटूर के पास में आपका समुंदर है, इट्स अ ग्रेट प्लेस. आई वुड लव टू यू नो गो एंड सेटल देयर एट सम पॉइंट ऑफ माई लाइफ. GOM 28% GST लगाना चाहते हैं. तो ये आप देखिए, ये वाला आर्टिकल पढ़ लीजिएगा जब मैंने ऑलरेडी डिलीवरी इसके बारे में बात किया था, रिव्यूको के बारे में बात किया था, सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. सो बिजनेस स्टैंडर्ड में हम आ चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट क्लियर्स पाथ फॉर FTA इन इंडिया. ओके, बहुत अच्छी बात है बिकॉज वहाँ से हमें कोल चाहिए, यूरेनियम चाहिए, एंड दे वॉन्ट आर पीपल एंड आर सर्विसेज, IT सर्विसेज. ये सो ये जो है ऑस्ट्रेलिया टू एलिमिनेट कस्टम्स ड्यूटीज ऑन 100% ऑफ टैरिफ लाइंस. ये देखो वही चीज़ मैंने बोला ना, दिस इज हाउ अमेजिंग यू नो, जब भी आप पढ़ते हैं ना आपको पता चल जाता है. इंडिया कैन एवरी ईयर सेंड 1800 योगा टीचर्स एंड इंडियन शेफ्स टू ऑस्ट्रेलिया. उनको लोग चाहिए, हमें उनका रॉ मटेरियल चाहिए. ठीक है, यहाँ पे देखो, इंडिया विल डू अवे विद इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑफ 70% ऑन ट्रेडेड गुड्स एंड 1000 कम हॉलीडे यू नो प्रोफेशनल्स. वहाँ पे वही है कि पहले जो मास माइग्रेशन, मेन चीज़ यही है कि मास माइग्रेशन जो पहले आपका कनाडा में हो रहा था, अभी भी होता है बट उतना नहीं होता है, जो मास माइग्रेशन कनाडा में होता था वही मास माइग्रेशन आपको देखने को मिलेगा, दैट विल बी हैपनिंग इन ऑस्ट्रेलिया. बिकॉज ऑस्ट्रेलिया, अगर आपको पता नहीं है, इट्स अ वेरी बिग कंट्री, इट्स एन आइलैंड, और वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो दिल्ली से भी कम पॉपुलेशन है. 22 मिलियन यानी 2.2 करोड़ का पॉपुलेशन, आई थिंक इज लेस देन दिल्ली, मतलब NCR रीजन से भी कम है पॉपुलेशन. तो आप सोच सकते हैं इतना बड़ा
कंट्री है और मैं आपको दिखाई देता हूँ. ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चीज आपको पता चल पता होना चाहिए. दिस इज क्वाइट अमेजिंग. कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कि आपका इतना नॉलेज कहाँ से आता है. टू बी ऑनेस्ट, मुझे पता नहीं मेरा इतना नॉलेज कहाँ से है, बट मे बी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई नो आई लर्न टू आई टेंड टू लर्न एवरीथिंग. आपको भी ये होना चाहिए. दिस इज न्यूजीलैंड, छोटा सा है, पापा न्यू गिनी, ठीक है. यहाँ पे सुवा है, यहाँ पे आई थिंक सिंगापुर है, फीजी भी यहीं पे कहीं होगा. फीजी यहाँ पे होगा, बीच में अमेरिका और इसके बीच में होना चाहिए फीजी. ये तो साउथ अमेरिका है ना, चलो कहीं ना कहीं होगा. चलो ये जो है ना, अब देखो ये आपको समझना पड़ेगा, इस आउटबैक बोलते हैं, आउटबैक एरिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ये सब एरिया में कोई नहीं रहता है. मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है आपका ये इस कोस्ट में रहता है, मतलब ईस्ट कोस्ट में ही आपका मैक्सिमम पॉपुलेशन है, यानी ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबेरा. कैनबेरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया. मेलबर्न, पर्थ में लोग रहते हैं, बट ये जो बाकी जो एरिया, दिस इज कम्प्लीटली डेजर्ट एरिया. ग्रीनरी यहाँ पे कुछ नहीं है, बट ह्यूज अमाउंट ऑफ यू नो नेचुरल रिसोर्सेज आर देयर. यूरेनियम इज देयर, कोल इज देयर, कोकिंग कोल इज देयर. तो ये सारे चीजें जो है यहाँ पे आपका मिलता है. सो दैट्स वाई जो पॉपुलेशन बहुत कम है तो उनको वर्किंग प्रोफेशनल चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो मेन पॉपुलेशन है जो वाइट लोग हैं उनको यूके से एज अ जो यूके में जो प्रिजनर्स ये सब होते थे उन क्रिमिनल्स को उनको भेजा जाता था ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वॉज बैक देन रहने लायक जगह नहीं था. अभी भी वैसा रहने लायक जगह नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा कोई मतलब इतने एलिगेटर्स, इतना वाइल्ड लाइफ अभी भी है. सो विच इज एक्चुअली गुड. तो ये चीज आपको पता होना पड़ेगा. दैट्स व्हाई दे आर दे वांट मोर एंड मोर इंडियन पीपल टू कम इन, क्योंकि इंडिया में ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत वर्किंग पॉपुलेशन है, दे वांट टू वर्क. सो उनको आसानी से जो है सिटीजनशिप वहां पे मिल जाता है. आई नो फ्यू ऑफ माय क्लाइंट्स, अ लॉट ऑफ पीपल दैट आई नो दे हैव दे वांटेड टू गो टू यूएस, बट उनको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला कनाडा में. कनाडा इट्स वेरी वेरी कोल्ड, उनको उतना कोल्ड वेदर नहीं चाहिए था. सो दैट्स व्हाई दे वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया जो है इट्स मॉडरेटली फाइन, नॉट दैट कोल्ड, बट वहाँ पे जो है पानी दूसरे जगह, जैसे पानी का जो रेवोल्यूशन होता है ना उल्टा होता है, क्योंकि इट इज इन दी सदर्न हेमिस्फेयर. तो दो चीज़ें मैंने आपको बताया, सदर्न हेमिस्फेयर में पानी दूसरे तरीके से घूमता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पानी दूसरे तरीके से घूमता है. अगर आपको पता नहीं गूगल करके आप चेक कर लो, बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है. नई नई चीज़ बताता हूँ तो आई थिंक आपको भी फायदा होना चाहिए. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, नई नई चीज़ आपको हमेशा सीखना चाहिए, ठीक है. तो ऑस्ट्रेलियन यहाँ इनके साथ हो रहा है. चलो, गूगल बाबा ने बोल दिया कि 10,000 लोगों को निकालना ही पड़ेगा, निकाल सकते हैं. आई थिंक 10,000 मे बोला है ना, तो आई थिंक मोर देन, ये मे की जगह मोर होगा, मोर देन 10,000 पीपल दे विल बी फायरिंग. सो ट्विटर ने 3% 13% हायरिंग फ्रीज कर दिया है. सो विच इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड फॉर एज एन इन्वेस्टर, वेरी गुड. फोरकास्ट 6.6%, 36,000 करोड़ इन्फ्यूजन टू सपोर्ट 48,000 जॉब्स इन इंडिया इन हैदराबाद. स्काईरूट, तो स्पेस स्टार्टअप या एरोस्पेस में इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल सकता है. अल्ट्राटेक ड्रॉप्स आउट ऑफ रेस टू जयप्रकाश सीमेंट, नाइका. ओके, रिस्क ऑफ सब्सक्राइबर चर्न हाई ऑन एसओ, ऑल मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी मूविंग टुवर्ड्स बीएसएनएल, व्हिच आई एम आल्सो डूइंग. सो आई रिक्वेस्ट कि अगर आपके पास मल्टीपल सिम है एंड यू वांट टू हैव अ सस्ता एंड टिकाऊ उपाय, सो बीएसएनएल इज द बेस्ट वे टू गो. एयर इंडिया टॉप्स अप ऑन द परफॉर्मेंस फर्स्ट टाइम इन ईयर, सो एक्सपेक्टेड. World in turmoil, the domestic pharma firms target India for healthy growth because aging population, diabetes, blood pressure is increasing. So we might see a volume increase here and profitability bhi badhega. So ID indices jo hai aapko acha movement dekhne ko milega. Why? Because a lot of people are firing in the America, and jab America mein firing ho raha to wo kaam jo either delegate hoga ya automate hoga, aapko do cheez dhyan rakhna hai, delegation ya automation. To delegation jab hoga to India mein hoga, automation hoga to fir America mein hoga, but automation ka kaam bhi jo hai Indian log hi karenge. मीटा इज दी इंडियाज लार्जेस्ट मीडिया कंपनी. अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ा मीडिया कंपनी कौन है, जी नहीं है, टाइम्स नहीं है, ये है मीटा. मीटा का मतलब होता है फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप. इट्स अ डिजिटल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से जो है इसी पूरे मार्केट को डोमिनेट कर रहा है. ऑल्दो इट इज ग्रोइंग बियॉन्ड गूगल एंड यूट्यूब. सो दस आई थिंक फर्स्ट सेकेंड में गूगल और फेसबुक मीटा ही आता है. जो डिजनी स्टार ये सारे जो है दे वो यूजर जनरेटेड नहीं होते, वो सेल्फ जनरेटेड होते हैं. और फेसबुक और गूगल में क्या होता है कि यूजर जनरेटेड कंटेंट, यानी यूट्यूब फेसबुक में जो कंटेंट आप शेयर करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा उसका पेमेंट आता है. यानी जितने भी मीडिया कंपनीज उनका पैसा कहाँ से आता है, वो एडवर्टाइजमेंट से ही ज़्यादातर पैसा कमाते हैं और लाइसेंसिंग से पैसा कमाते हैं, बट मेनली वो एडवर्टाइजमेंट से ही ज़्यादा पैसा कमाते हैं. सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला रहेगा. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद.